सो वेलकम बैक गाइस, जैसे कि आप लोगों को हमने पिछली बार दिखाया था कि जब कहीं पर आग लगती है तो येलो कलर की और ब्लू कलर की फ्लेम्स बहुत आम होती है, देखने को हर जगह मिल जाती है आराम से। लेकिन हमने अपनी उस वीडियो में कुछ खास किया और आपको ग्रीन कलर की फ्लेम्स दिखाई, कुछ उसी तरह आज हम आपको दिखाने वाले हैं रेड कलर की फायर फ्लेम्स। तो गाइस आप लोगों को यकीन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा कि तरीके की फ्लेम्स भी चल सकती है, फायर में देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है। आज हम आपको दिखाएंगे कि जब हम किसी चीज में फायर देते हैं, आग लगाते हैं, तो रेड कलर की फ्लेम निकलना भी पॉसिबल है। और उसके लिए गाइस हम लोगों ने फिर से लिया है मिथेनॉल। और आप सोच रहे होंगे मिथेनॉल के अंदर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि मिथेनॉल के अंदर हमने डाला है लिथियम। लिथियम गाइस क्या होता है, कहाँ से हमने लिया, ये मोस्टली बैटरीज में आपको इजीली मिल जाता है। हमारे पास एक पावर बैंक था और ये हमारा खराब हो गया था, तो हमने इसके अंदर से लिथियम निकाला है, जिसको हमने डिप किया हुआ है अपने मिथेनॉल के अंदर। और अभी इसी सॉल्यूशन में मैं आपको आग लगा कर दिखाऊंगा और फिर आपको यकीन होगा कि हाँ वास्तव में रेड फ्लेम भी पॉसिबल है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और एक्सपेरिमेंट। और लो जी अब हम निकाल लेते हैं अपना लिथियम सॉल्यूशन से बाहर। सबसे पहले हम लगाएंगे लिथियम में आग और उसके बाद लगाएंगे फिर इस सॉल्यूशन में आग। ये हमने इस प्लेट में लिथियम ले लिया, आप देख लीजिए इसकी हालत कैसी, काफी ठंडा है, मिथेनॉल बहुत ठंडा होता है। और अब लगाता हूँ इसमें आग। ले भैया लाइट भी बंद हो गई। तो गाइस जब देखिए आप इसमें, आपको इसमें रेड कलर दिख रहा होगा और नीचे स्पार्कल दिखा देता हूँ रेड कलर के, थोड़ा ऊपर से दिखा उसको, देखो रेड कलर के स्पार्कल निकल रहे हैं अंदर। और ये ही वो चीज है जो मैं आपको दिखा रहा था, बताना चाह रहा था कि भाई इस तरीके की चीजें भी पॉसिबल है। तो गाइस देख रहे हैं आप इसमें जो ये रेड कलर है ना, पूरा डार्क है, डार्क येलो से ज्यादा डार्क। और अभी इसको मैं दोबारा से इसमें आग लगा कर दिखाऊंगा। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से लिथियम और मिथेनॉल को जलाकर रेड कलर की फ्लेम्स उसमें से बाहर आई थी, अब वही एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ा रात में करके दिखाएंगे, अंधेरा हो चुका है, कि कितना अच्छा और कितना हल्के वो रेड कलर आग में से निकलता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा केमिस्ट्री कितनी कमाल की चीज होती है, जब हम किन्हीं दो केमिकल्स को एक साथ मिलाते हैं, उनसे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है वो और भी ज्यादा अमेजिंग होता है दोस्तों गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ। जय हिंद जय भारत।